बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो अभी तक हमने पढ़े कि जो अर्थ के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और जो हमारे मेजर सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड कंपोनेंट, एटमोसफेयर के बारे में। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमोसफेयर। जो हमारी ज़मीन है ये किससे गिरी हुई है? एक लेयर से गिरी है, एक गैस की लेयर से गिरी है, एक गैस की लेयर से गिरी है जिसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ अर्थ इज एन इंटरगल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। ये जो थिन ब्लैंकेट है, ये जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जो इस जो परत है, पतली परत है इस एयर की, ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट है ये किसका? इस प्लानट का। एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल हिस्सा है इस प्लानट का। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। इसको हमको, ये हमको क्या देती है? जो एयर जिससे हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। और हमको बचाती है जो सूरज की हार्मफुल नुकसानदेह किरणें हैं, नुकसानदेह रोशनी है, उससे हमको बचाती है ये एटमोसफियर। द एटमोसफियर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो एटमोसफियर है ये कितने कहाँ तक है? ये 1600 किलोमीटर तक है हमारा एटमोसफियर। द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स। एटमोसफियर को आगे कितने डिवाइड, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 5 लेयर्स में डिवाइड किया। बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है ये? कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन इसमें क्या क्या मिक्सचर है, टेम्परेचर इसमें कैसा है, एंड दूसरी प्रॉपर्टीज पे एटमोसफेयर को 5 सतहों में बांटा गया है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये जो लेयर है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अर्थ सरफेस से, और कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर, द मियोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। अगर आप बच्चों यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले क्या है? ये ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। ये सारे, ये इसके 5 लेयर्स है अर्थ के। द एटमोसफेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। एटमोसफेयर में ज्यादातर कौन से गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। विच मेक्स अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जो कितना? 99% जो क्लीन सूखी हवा बनाता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम। और बाकी कितना बनाता है? एक हिस्सा बनाता है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन क्या है कि हमारे को सांस लेने में मदद करता है, और जो नाइट्रोजन क्या है कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पोर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि हम यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो जमीन से हीट निकलती है ये इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। देयर फॉर कीपिंग द प्लैनेट वार्म, जिसकी वजह से क्या हमारा जो प्लैनेट है वो क्या रहता है? गर्म रहता है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये भी बहुत जरूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के बढ़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरीज विद हाइट। जो इसकी डेंसिटी है एटमोसफियर की, जो इसकी, वो क्या करता है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी इसकी डेंसिटी, या हाइट कम होती जाएगी इसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। जो एटमोसफियर की डेंसिटी क्या है, ये मैक्सिमम कहाँ पर है? सी लेवल बहुत ज्यादा है। एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। यू नो, आप जानते हैं, द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप जानते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं लोग, उनको क्या होता है? जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यही इसका कारण है। दे हैव टू कैरी विद दम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई अल्टीट्यूड्स। उनको क्या करना पड़ता है? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने पड़ते हैं ताकि वो ऊंचाई पर क्या कर पाए? आसानी से सांस ले पाए। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड। जो टेम्परेचर है वो भी कम होता है जैसे जैसे हम जितना हम ऊपर जाएंगे। द एटमोसफेयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एटमोसफेयर है वो अर्थ के ऊपर एक प्रेशर बनाता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस क्या करता है? वेरी करता है। सम एरिया एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर। कुछ एरिया पे क्या होता है? हाई प्रेशर एक्सपीरियंस, कुछ हाई प्रेशर होता है। एंड सम एरियाज लो प्रेशर, और कुछ एरिया पे क्या होता है? लो प्रेशर होता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो एयर, हवा है, वो हमेशा कहाँ से मूव होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मूविंग एयर इज ऑल्सो, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। और जो मूविंग एयर है उसको क्या बोला जाता है? विंड बोला जाता है।
तो आज के चैप्टर हम इतना पढ़ेंगे बच्चों, कल हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।